और सर प्रणव सर, यहाँ पर हमने सबसे पहले केमिस्ट्री का यहाँ सर के पास ज्वाइन किए थे, और यहाँ पर जैसे कि अभी हम नीट क्वालिफाई करके नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दार्जिलिंग में एडमिशन लिया है, और बात रहा सर स्टडी का, यहाँ सबसे पहले हमने सर के पास केमिस्ट्री के लिए आए थे, यहाँ पर पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमको, खास करके सब मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो मेरा वीक पोर्शन था इस मतलब पूरे में केमिस्ट्री तीनों पोर्शन का, तो सबसे वीक पोर्शन जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री था, यहाँ आने के बाद मेरा सबसे अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री गया है, और खास करके ऑर्गेनिक भी, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी, मेरा जो वीक पोर्शन था फिजिकल उसके लिए सर बहुत ही अच्छे से सर पढ़ाए हैं, और ऑर्गेनिक खासकर मैकेनिज्म जो होता है, जो ऑर्गेनिक का मेन पोर्शन होता है, उस चीज़ के लिए सर हमको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी तरीके से बताए हैं, उस चीज़ को हमने बहुत अच्छा तरीके से समझा भी। बात रहा यहाँ पर मतलब रिवीजन का ये, तो सर के पास पढ़ने के बाद आपको रिवीजन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, अगर रेगुलरिटी क्लास में बनाए रखते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आप अगर लास्ट में अगर मान लीजिए एक महीना अगर रूम पे किसी कारणवश आपको दूसरा सब्जेक्ट में समय ना मिल रहा हो, जो भी मिल रहा हो, यहाँ आप रेगुलर क्लास किए हुए हैं, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप लगातार एक महीना की चीज़ को या किसी चीज़ को लगातार पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर रहते हैं केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ आगे इससे बेटर जगह पर आप सीख सकते हैं, बहुत ही जल्दी। हमने यहाँ पर सीखा है, हमने हर एक चीज़ सीखा है केमिस्ट्री का, और यहाँ पर हमने अपना नीट में 99.7% अपना स्कोर हमने किया है केमिस्ट्री में, तो सर के पास से हमने पढ़ा है पूरा ए टू जेड। और बात रहा सिलेबस का, तो सर बहुत ही जल्दी सिलेबस किए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब क्या कहें, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सर यहाँ पर सिलेबस भी टाइम पर ख़त्म करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी है, और हम लोग चीज़ का नहीं कर रहा है, आप यहाँ आकर पढ़ के देख सकते हैं, सर डेमो भी देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा भी है केमिस्ट्री को, सीखने का जो तरीका होता है यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री का पूरा लैंग्वेज सीखा है, यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं तो सर की मदद पहुँचे हैं, ये भी सर है केमिस्ट्री हमको सीखने में बहुत मदद की। और बुक कौन सा बनाना चाहिए वो बताइए। हाँ, जैसे कि हमने अभी तक में कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ा है, जैसे कि नीट में क्वेश्चन रहता है 30 मतलब 45 क्वेश्चन रहता है, तो 15 क्यों से एवरेज रहता है, एक दो आगे पीछे रहता है, तो सबसे जैसे कि हमने तो सर का सिर्फ नोट्स पढ़ा है, और एनसीईआरटी खास एनसीईआरटी का जो एग्जामिनर होता है और उसमें जो एक्सरसाइज होता है उसका क्वेश्चन पिस्टर का, और ऑर्गेनिक में तो पूरा एनसीईआरटी का मतलब जो रहता है मैकेनिज्म है वो सब, और इनऑर्गेनिक तो फुल्ली एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही है, एक दो क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी से बाहर पूछता भी है तो उस क्वेश्चन का करने के चक्कर में आपका समय भी लॉस होगा, लेकिन उस चीज़ को अगर ना करें तो बेटर है, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। अगर एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमने तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सर का नोट्स एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास कोई समय भी नहीं रहता था कि हम अलग से सिर्फ केमिस्ट्री पर फोकस करें, सर के पास क्लास रेगुलर करते थे और रेगुलर करने के बाद उसका नोट्स उनका सर का नोट्स और नोट्स के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर, बस हम इतना ही किए हैं और इतना ही से मेरा काफ़ी बेटर हो गया, हम सिर्फ इतना मतलब इतना समय भी नहीं मिलता था कि हम सिर्फ केमिस्ट्री ही करें, बायो भी है, फिजिक्स भी है, उस पर भी ध्यान देना है, तो इतना कम में अगर करना चाहते तो सर का नोट्स एनसीईआरटी इससे बेटर, हमने आगे कुछ दूसरा बुक फॉलो नहीं किया है तो हम इस पर। अच्छा जी, इस पर भी एक बात बोलिए कि जैसे ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी को एक बार यहाँ एडमिशन लेने के बाद मेरा व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति बदल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि सर जो एक बार प्रॉमिस कर दिए स्टूडेंट मतलब एडमिशन के समय, अगर स्टूडेंट अगर रेगुलरिटी रहता है, स्टूडेंट अगर ठीक रहता है, तो सर उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है, कभी सर को आप कॉल करते हैं सर इस तरीके का इस चीज़ में डाउट है, सर आपका मतलब प्रीवियस पिछले जो बहुत सारा बैचेज है उस बैच में आपको बोल देंगे सर ये क्लासेस टॉपिक अभी स्टार्ट आप क्लास अनाउंस कर दिया था एक सप्ताह पहले, ये टॉपिक एक अभी क्लासेस बीच में स्टार्ट होने वाला है, आपको जरूरत है तो उसमें क्लास कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए सर आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उस टाइम में आगे आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ अगर रेगुलर रहिएगा तो आपको दोबारा पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि हम रेगुलर रहे, सब कुछ रेगुलर किए हैं, हम कभी सर से डॉट लेते भी थे पूरा एकदम, जब बोलते थे सर हमको डॉट देते थे, जब भी बोलते सर इसमें डॉट होता था इसमें बैठा के समझाते थे, सब कुछ करते थे, और हाँ और जैसे कि यहाँ रहा तो डॉट में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से आप जो चाहे कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके लिए आप क्या कहिएगा?
फिजिकल केमिस्ट्री को क्वेश्चन क्वेश्चन का तो कोई सीमा नहीं है कि आपको जो ये बुक बना रहे थे यही बुक से आपको क्वेश्चन डाल दें यही कर दें। कॉन्सेप्ट जो है सर का जिस तरह का कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट रखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन जाता है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। और अगर आप बहुत सारा बुक बनाना चाहते हैं जैसे कि आप अभी टीगर ले सर उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया बहुत ही उसमें बना के देख सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया था लेकिन हमसे जब क्वेश्चन बन रहा था तो हमने उसमें समय लॉस करना नहीं समझा कि उसमें 1000-1500 क्वेश्चन भी रहता है, बहुत नंबर टाइप वैरायटी बहुत ऊंचा क्वेश्चन रहता है। तो आप अगर बनाते रहिएगा और आपका उस चैप्टर का उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ होगा आपसे बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो फिर सर से उस तरह से पूछिए कि सर ये क्वेश्चन है इस तरह से किस तरह से अप्लाई करें, कहाँ से क्या करें नहीं करें, हमको नहीं लगता पढ़ने के बाद आपको उसकी जरूरत पड़ेगा, पढ़ता भी है तो सर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, सर आपको उसका बहुत अच्छा बेटर बताएंगे। रमन यादव जी जिनका इस बार मेडिकल में हुआ है नेट के थ्रू, और ये आप लोग को सलाह दे रहे थे, इनकी सलाह को आप मन हो तो मानिए और इनको फॉलो कीजिए, तो हो सकता है कि अगला बार फिर आपका सिलेक्शन। थैंक यू।